अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं न्यूरो एनाटॉमी का जो मेनिंजेस है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्लिनिकल को रिलेट्स। अच्छा, अब अपने सिंपल जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है उस पे आते हैं कि मेनिंजेस होती क्या है। असल में बच्चों, ये तीन प्रोटेक्टिव लेयर की कवरिंग्स होती हैं जो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर ली होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उनके इर्द गिर्द ये तीन कवरिंग्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम मेनिंजियल कवरिंग्स बोलते हैं। और अगर इनमें इन्फेक्शन हो जाए तो मेनिंजाइटिस होता है, बहुत कॉमन डिजीज है, आपने सुना होगा इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, अब ये इस तरह गोल नहीं होती, सिर्फ समझाने के लिए किया है, इसको आपने याद रखना है PAD से, ठीक है, PAD पैड से आपने याद रखना है। इनर मोस्ट को हम कहते हैं पायामेटर, बाहर वाले को हम कहते हैं एराकिनॉइड, एंड आउटर मोस्ट को हम कहते हैं ड्यूरामेटर, ठीक है। पाया, एराकिनॉइड एंड ड्यूरामेटर, ये तीन मेनिंजियल कवरिंग्स हैं जो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही हैं, कवर कर रही हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। अब हमारे पास इनके दरमियान में दो स्पेसेस होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो क्लिनिकल्स में जो है वो आगे अप्लाई होंगी। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं पाया और एराकिनॉइड में। ये जो बच्चों पाया एंड एराकिनॉइड के दरमियान की वाली जो स्पेस है, इसको हम बोलेंगे सब एराकिनॉइड स्पेस। इसे हम क्या बोलेंगे? सब एराकिनॉइड स्पेस। और अब अगर बात करें एराकिनॉइड एंड ड्यूरामेटर की, तो इनकी जो आपस में ये स्पेस है, एराकिनॉइड एंड ड्यूरा के दरमियान जितनी भी स्पेस होती है, इसे हम बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। इसे हम क्या बोलते हैं? सब ड्यूरल स्पेस। तो तीन कवरिंग और दो स्पेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई नो कि ये इस तरह का होता है कुछ, हमारे पास ब्रेन, ठीक है, और फिर नीचे इस तरह का स्पाइनल कॉर्ड होता है, और स्पाइनल कॉर्ड के बिलो जो प्रोजेक्शन होती है ना फाइलम टर्मिनले के, असल में वो यही पाया मैटर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो क्लोजली एडहेरेंट लेयर है वो पाया मैटर है, और पाया मैटर ही एक्सटेंड करता है और फाइलम टर्मिनले बनाता है। नॉर्मली तो हमें पता है स्पाइनल कॉर्ड कहां पे टर्मिनेट हो जाता है, L1 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर पे, लेकिन पाया मैटर की ये जो कवरिंग है, इसकी एक प्रोजेक्शन जिसे हम फाइलम टर्मिनले बोलते हैं, ये कहां तक जाती है? S2 वर्टिब्रा तक। सो ये पाया मैटर की कवरिंग है, इसके ऊपर अब क्या होगा? ड्यूरा एराकिनॉइड मैटर होगा, एंड उसके ऊपर हमारे पास क्या होगा? ड्यूरा मैटर की कवरिंग होगी, ठीक है। तो ये तीन कवरिंग्स हैं, इनके अपने अपने फीचर्स हैं जो हम आगे वन बाय वन पढ़ेंगे। तीनों कवरिंग्स का क्या काम होता है? ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सबसे पहले आउटर लेयर से स्टार्ट करते हैं और ड्यूरा मैटर को पढ़ते हैं। ड्यूरा मैटर में आपने याद रखना है इसकी फर्दर दो सब लेयर्स हैं, ठीक है। ड्यूरा मैटर की अपनी दो सब लेयर्स हैं। अब वो दो सब लेयर्स किस तरह से हैं बच्चों? ये हमारे पास जो ड्यूरा मैटर है उसकी आउटर लेयर है, जिसे हम बोलते हैं एंडोऑस्टियल लेयर। इसे हम क्या बोलते हैं? एंडोऑस्टियल लेयर। और जो इसकी इनर लेयर होती है ड्यूरा की, आउटर लेयर होती है हमारे पास एंडोऑस्टियल लेयर, और इनर लेयर होती है मेनिंजियल लेयर, ठीक है। अब ये जो मेनिंजियल एंड एंडोऑस्टियल लेयर है ना होती, तो ये आपस में क्लोजली अटैच है, ठीक है, क्लोजली मतलब एडहेरेंट होती हैं, अटैच हुई भी एक दूसरे से। इनमें इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर ये आपस में वाइडली सेपरेट हुई हुई है और एक स्पेस क्रिएट हुई हुई है। अब इस स्पेस को क्या कहते हैं? ये आउटर एंडोऑस्टियल लेयर है, ये मेनिंजियल लेयर है, और इनके सेपरेशन की वजह से जो स्पेस क्रिएट हुई हुई है, इसको हम बच्चों बोलते हैं वीनस साइनस। इसको हम क्या बोलते हैं? वीनस साइनसिस। और साइनसिस का काम होता है ब्लड और CSF को रिसीव करना, किस तरह से, वो हम आगे डिटेल पढ़ेंगे इन वीनस साइनसिस की, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने इतना याद रखना है कि ड्यूरा मैटर की दो कवरिंग्स हैं, एंडोऑस्टियल कवरिंग है और मेनिंजियल कवरिंग है। ये एंडोऑस्टियल कवरिंग ना सिर्फ पेरिओस्टियम की कवरिंग होती है, जो कि स्कल की बोन को इनर से सराउंड कर रही है, ठीक है। ये आप स्कल है, ठीक है, ये स्कल बोन है, और इसको इन साइड से क्या किया हुआ है? एंडोऑस्टियल लेयर ने सराउंड किया हुआ है, और उसके नीचे हमारे पास प्रेजेंट है मेनिंजियल लेयर, ठीक है। अब एक और बात याद रखनी है एंडोऑस्टियल लेयर के बारे में, कि फॉर एग्जांपल ये सारे का सारा ब्रेन है ना, तो एंडोऑस्टियल लेयर है यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे आ जाता है मेरे पास फोरामेन मैग्नम का लेवल, ठीक है, और फोरामेन मैग्नम के लेवल पे हमारे पास ब्रेन खत्म हो जाता है और क्या स्टार्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो मेनिंजेस तो स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है, लेकिन ये वाली जो लेयर है ना, ये जो हमारे पास कौन सी लेयर आ रही है? एंडोऑस्टियल लेयर। ये फोरामेन के मैग्नम के लेवल से नीचे कंटिन्यू नहीं करती इस दूसरी लेयर के साथ, और ड्यूरा मैटर जो है वो वहां पे ड्यूरा मैटर की स्पाइनल कॉर्ड में ना सिर्फ एक ही लेयर रह जाती है, बल्कि एंडोऑस्टियल यहां से कर्व बैक कर लेती है और स्कल की आउटर बोन आउटर साइड को या आउटर बोन्स को सराउंड करती है, जबकि एंडोऑस्टियल लेयर क्या करती है? ये फोरामेन मैग्नम के लेवल से गुजरती है और ये स्पाइनल कॉर्ड को जाके लाइन करती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि एंडोऑस्टियल लेयर फोरामेन मैग्नम के लेवल से नीचे नहीं जाती, जबकि मेनिंजियल लेयर जाती है। ये दोनों आपस में अटैच हुई हुई होती हैं, जहां पे ये सेपरेट हुई होंगी वहां पे वीनस साइनसिस बनेंगे। अब एक तो इनका ये फीचर है कि कौन कंटिन्यू करती है कौन नहीं करती, और दूसरा ये जो हमारे पास है मेनिंजियल लेयर, ठीक है बच्चों, उसने बताया हुआ है कि काफ़ी डेंस होती है, सही है, डेंस होती है, थिक होती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन है। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि ये हमारे पास जो मेनिंजियल लेयर है ना, इसने फर्दर जो है वो चार फोल्ड्स बनाए हुए होते हैं, जिन्हें हम ड्यूरल मेटल फोल्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। वो चार इस तरह के कुछ फोल्ड्स बने हुए होते हैं, सही है। अब हम उनको लाइन वाइज पढ़ते हैं कि वो किस फोल्ड्स क्या है और उनका क्या काम है, ठीक है। तो हमारे पास जो कौन सी लेयर है? मेनिंजियल लेयर है, और इसी को असल में ड्यूरा मेटल प्रॉपर भी कहते हैं। इसके आगे फर्दर चार फोल्ड्स बनाए हुए हैं इसने, ठीक है, जिन्हें हम ड्यूरल फोल्ड्स कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फॉक्स सेरिब्री, ठीक है, फॉक्स सेरिब्री आ जाता है, देन हमारे पास आता है फॉक्स
फ्लाक्स या फाक्स वट एवर, फाक सेरिब्री आ जाता है एंड फाक सेरिब्ली आ जाता है, ठीक है। ये सेरिबेलम के हेमिस्फेयर्स के बीच में फोल्ड होगा, ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के फोल्ड के दरमियान फोल्ड है, ठीक है। ये सेरिब्रम है और ये सेरिबेलम है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होता है टेंटोरियम सेरिब्ली, जिसका क्या काम होता है, सेरिबेलम को टेंट प्रोवाइड करना, ठीक है, उसके रूफ को कवर करना। एंड देन हमारे पास आ जाता है डायाफ्रेग्मा सिलाई, क्या आ जाता है, डायाफ्रेग्मा सिलाई, ये जो मेनिंजियल लेयर है इसके फोल्ड्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फाक सेरिब्री की, ठीक है। ये फाक सेरिब्री के बारे में आपने याद रखना है कि एक सिकल शेप फोल्ड होता है ड्यूरा मैटर का, और इसको अगर बुक से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ये एक सिकल शेप फोल्ड होता है ड्यूरा मैटर का, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास सारे का सारा ये जो है ना, ये हमारे पास फाक सेरिब्री है, ठीक है। अब इसका एक इंटीरियर पोर्शन है और एक इसका पोस्टीरियर पोर्शन है। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिफरेंस नजर आ रहा है कि हमारे पास जो इंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, ये थोड़ा नैरो होता है और ये हमारे पास इंटरनल फ्रंटल क्रस्ट और क्रिस्टा गैलाई के लेवल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो क्या कर रहा है, वो मिक्स हो रहा है टेंटोरियम सेरिब्ली के साथ। ये टेंटोरियम सेरिब्ली है, ठीक है। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन की बात हो गई, आप अपर एंड लोअर बॉर्डर की बात करते हैं तो फ्लाक सेरिब्री के अपर बॉर्डर में सुपीरियर सेगिटल साइनस होगा, लोअर बॉर्डर पे इन्फीरियर सेगिटल साइनस होगा, और इसकी जो टेंटोरियम सेरिब्ली के साथ जंक्शन है वहां पे क्या होगा, हमारे पास स्ट्रेट साइनस। तो ये पांच बातें याद रखनी है कि इसकी स्टार्टिंग क्या है, इंटीरियरली पोस्टीरियरली किसके साथ ब्लेंड कर रहा है, अपर बॉर्डर में क्या है, लोअर बॉर्डर में क्या है, और जंक्शन में हमारे पास स्ट्रेट साइनस मौजूद है, ठीक है। तो फाक सेरिब्री है क्या, ये सिकल शेप फोल्ड है ड्यूरा मैटर का, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के दरमियान में ये प्रेजेंट होता है। एंटीरियरली ये इंटरनल फ्रंटल क्रस्ट और क्रिस्टा गैली पे लगता है एंड पोस्टीरियरली ब्लेंड करता है टेंटोरियम सेरिब्ली के साथ, ठीक है। उसके बाद साइनसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। इसके अपर बॉर्डर पे सुपीरियर सेगिटल साइनस मौजूद है, लोअर बॉर्डर पे इन्फीरियर सेगिटल साइनस मौजूद है, और जहां पे इसकी जंक्शन है टेंटोरियम सेरिब्ली के साथ वहां पे स्ट्रेट साइनस मौजूद थी। तो फाक सेरिब्री कितना हमारे पास आसान सा था, ठीक है। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन, अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर और जंक्शन पे हमारे पास साइनस है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास ये टेंटोरियम सेरिब्ली स्टार्ट हो रहा है। अब आपको पता है यहाँ पे हमारे पास होता है इंटीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है, दरमियान में होता है मिडिल क्रेनियल फोसा और यहाँ पे होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो टेंटोरियम सेरिब्ली किस में प्रेजेंट है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट है। ये टेंट प्रोवाइड कर रहा है सेरिबेलम के लिए, सेरिबेलम को कवर करता है। उसके अलावा ये ऑक्सिपिटल लोब में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारे इसके फंक्शंस हैं कि ऑक्सिपिटल लोब को सपोर्ट कर रहा है, टेंट प्रोवाइड कर रहा है सेरिबेलम के लिए, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट है। अब इसके एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों के, ये हमारे पास ना जहां पे मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट शॉर्ट की, हमारे पास क्रीसेंट शेप होता है, ठीक है, रूफ करता है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को कवर करता है, सेरिबेलम को सपोर्ट करता है, ऑक्सिपिटल लोब को। इसके इंटीरियरली ना एक नोच पड़ी होती है, अभी मैं आपको बुक से भी दिखाऊंगी, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया कि इसके इंटीरियरली एक नोच पड़ी होती है जिसे हम टेंटोरियम नोच बोलते हैं, ठीक है। ये नोच असल में पैसेज वे प्रोवाइड करती है ब्रेन, मिड ब्रेन के लिए, ठीक है, यहां से मिड ब्रेन इस नोच में से इजिली गुजर जाता है। अब ये जो नोच है ना, इसके दो बॉर्डर्स होते हैं, एक इंटीरियर बॉर्डर होता है, सॉरी एक इनर बॉर्डर होता है इसका और एक आउटर बॉर्डर होता है। जो इनर बॉर्डर होता है वो फ्री होता है, जबकि जो आउटर बॉर्डर है वो फिक्स होता है। आउटर बॉर्डर की ना दो जाके अटैचमेंट्स हैं, ठीक है। इसका जो आउटर बॉर्डर है वो एक तो पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस पे अटैच होता है और एक जो ट्रांसवर्स साइनसेस के लिए ग्रूव है ना ऑक्सीपिटल लोब में, वहां अटैच होता है, भी हम डायग्राम से देखेंगे। जबकि इस वाली टेल्टोरियम नोच का जो फ्री वाला बॉर्डर है वो क्या करता है, वो क्रॉस करता है इस फिक्स बॉर्डर को, ठीक है। ये नीचे पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस होते हैं, थोड़े ऊपर जो नेजल बोन देखी थी हमने स्कल एनाटॉमी में, वहां पे हमने पोस्टीरियर क्लिनॉइड एंड इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेसेस देखे थे। तो ये फ्री वाला बॉर्डर क्या करता है कि ये क्रॉस करता है फिक्स बॉर्डर को, जाके इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस पे लग जाता है, ठीक है। अब जहां पे इस फ्री बॉर्डर ने इस फिक्स बॉर्डर को क्रॉस किया ना, इस वाली जगह पे इनका ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है, इस जगह से हमारे पास C3 एंड C4 क्रेनियल नर्व्स गुजर रही होती हैं और वो जाके कैवर्नस साइनस में ड्रेन करती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है।